उनको भारत आकर नॉर्थ नॉर्थ रीजन से भागा उन्होंने और नॉर्थ रीजन को स्टेट को एक ऐसे मुकाम में ले गए जिससे कि डीएक्सएल पूरे विश्व में डीएक्सएल इंडिया में आज दूसरे स्थान पर है। ये बहुत अच्छे मेंटर भी हैं, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। तो इट इज सच एन ऑनर टू इनवाइट सच डिग्निटीज मिस्टर दिव्या प्रकाश। उन्होंने आपको ये बताया कि ठंड का मतलब कुछ गड़बड़ है। तो बिफोर आई से समथिंग लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू आवर इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के एम रफी टू गिव इट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं आऊं और यहां आके आप सबसे मिलूं। उन्होंने देखा काफी कनेक्शन हम लोगों का, हम लोग ने जिस तरीके से काम किया बिकॉज ही हैज बीन देयर, वो भी मेरे साथ थे। नॉर्थ जब उठा तो केएम रफी, मैं और पूरी मैनेजमेंट टीम हम लोग ने काफी कुछ करने की कोशिश की और काफी हद तक सक्सेसफुल हुए। सो मिस्टर रफी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देन ऑल द काउंटर एम्बेसडर्स, मिस्टर आर के शर्मा मैडम, डॉक्टर परवाना मैडम, मिस्टर भरत गर्ग एंड बिलवड वाइफ नवजोत सिंह सिद्धू हमारे क्राउन डायमंड, संगीता रानी हमारी दीदी और मिस्टर दीपक हमारे क्राउन डायमंड, इतने ज्यादा प्यार और लगाव रखा कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, मैं आया। और उसके बाद एक व्यक्ति, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, खून का रिश्ता ये सब कुछ नहीं होना है, उस व्यक्ति ने साबित कर दिया। वो और कोई नहीं, हमारा सबसे नया क्राउन मास्टर मिस्टर दीपक है। एक बार इस एक जोरदार ताली आपको। ये मैंने इसलिए बोला कि बहुत रेयर है आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हो, आपके साथ लोग फॉलो करते हैं, ये बहुत आम बात है। दूरियां बड़े बड़े रिश्तों को खत्म कर देती है। डिस्टेंस प्लेज इट्स रोल इन अ रिलेशनशिप। कल दीपक रजीव साहब मेरे को लेने के लिए एयरपोर्ट आए, मैंने मना करा था कि सर बताओ ये बहुत ठंड है, और तब मुझे पता चली नहीं कि कुछ दिन पहले तबियत काफी खराब थी और इन्होंने दवाओं पे दवा लिए हुए, उसके बाद भी बोला नहीं मुझे आना है। जब मिले तो एक अलग एक अजीब सी चमक है और मुझे उस वक्त बड़ा राहत लगा कि मैं भी सोच रहा था क्या मुझे वॉकिंग पहुंचना चाहिए, बहुत सारे काम निकले भी है, बड़े सारे चीजें हैं करने के लिए और मैं अभी इंडिया में यहां पे आके क्या ये बहुत जरूरी था। लेकिन जब वो चमक देखी मैंने और वो एक चेहरे का नूर था कि हाथी लोटी मैंने कर दिया, मेरे मुंह से निकला शेरा। ठीक है, बहुत दिन इस बंदे ने स्टैंडिंग ओवेशन किया है, आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं आज इसके सामने हम लोग स्टैंडिंग ओवेशन एक बार देते हैं राजीव कुमार के लिए, आपके लिए आज हम लोग चंडीगढ़ की जीरकपुर के एक अच्छे इनाम के होटल में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 2015 में रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड, मैं नवजोत जी राजीव जी हम लोग ने बड़े कंफ्यूजन के साथ करा था कि कैसे कहां कहां से चीजें ठीक करनी है, बिकॉज ये अपने आप में डीएमसी की एक केस स्टडी है। 2015 में जिस तरीके से डीएमआई आया और आज वो सेल्स जिस तरीके से आसमान को छू रहा है और बढ़ता चला रहा है, इट्स अ कंप्लीट केस स्टडी। उस वक्त राजीव जी ने जिस कमिटमेंट के साथ काम करना शुरू किया, 6 प्रोडक्ट्स, आज इतने सारे प्रोडक्ट्स, और उसमें राजीव जी के अग्रज जो है पहले आर के शर्मा जी ने, इसलिए मैं बोलता हूं कि घर का बड़ा अगर सही दिशा में चला जाए
तो पीछे जो परिवार वाले हैं वो उसी दिशा में जाते हैं, पहले आरके शर्मा जी चले गए हमारे क्राउन नंबर से नॉर्थ से पहले क्राउन नंबर से बने, पीछे पीछे देखा हम लोग ने कि डॉक्टर परवा नहीं, प्रोफेशनल एमबीबीएस डॉक्टर, इसी सब स्थितियों में परिस्थितियों में सपोर्ट मिले नहीं, मैनेजमेंट है नहीं, है नेटवर्क है नहीं, लगे हुए और ऐसे ऐसे हालात में सर आपने भी बहुत कुछ कर डाला है, तो आपको ये जोड़ना चाहिए। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कई अमीर देश है वो हम लोग देखते हैं वो शैंपेन पीते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन डिप्रेशन है उनमें, बोले हमारे मतलब डिप्रेशन नहीं है। अगर डिप्रेशन क्या होता है और टूटना क्या होता है, हम जिस हालातों से गुजरते हैं तो शायद बड़े बड़े लोग नहीं गुजर सकते जो इंडिया के बाहर में नहीं करते। ये चौथी चीजें मैंने यहाँ देखी। फिर भरत जी, पहली बार जब मैं इनसे मिला था तो मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था, एक किताब मेरे हाथ में गिर गई थी, ट्रेन से मैं सफर कर रहा था, डीएफए में लहर गया था और इन्होंने नई नई गाड़ी दी थी, हाँ महिंद्रा की लोगन, और सारे लोग इनको घेरे हुए थे, उन्होंने सफेद कलर की गाड़ी दी थी, उस वक्त से मैं उनको देख रहा हूँ और इन्हीं हालातों में भरत जी ने अपना एक झंडा कर दिया। हाँ जी, जो एक और मैं अपनी जी को हमेशा चढ़ाता हूँ, सर व्हाट हैपेंड टू साउथ सर, तो ये रफी जी भी बोलते हैं ना कि जो स्पार्क इधर है ना वो स्पार्क उधर थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है, कारण क्या है उधर ज्यादा एनालिसिस हो जाता है। तो प्रोफेसर साहब की टीचिंग क्या है, एनालिसिस लोगों ने कर लिया है, आप एनालिसिस करना बंद करो। डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेरे पास अपनी आरएनडी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आप अपनी आरएनडी मत करो, हम लोग जीएमपी सर्टिफाइड है, आप अपनी नई सर्टिफिकेशन शुरू मत करो। आपने क्या करना है, जितनी चीजें रफीक जी ने बताई आप उसको कर लो भाई। क्या किया रजीव जी ने, वही किया, इन्होंने एनालिसिस नहीं की, इन्होंने फॉलो किया। बहुत कुछ है इनके बारे में कहना, लेकिन आज मेरे मन नहीं कर रहा है कि मैं ट्रेन करूं आपको। आज जितने लोग यहां, मैंने पूछा विजय सर से कि सर आज आबादी थोड़ी कम लग रही, तो सर ने बताया कि सर आबादी कम नहीं है, शेरों की आबादी बैठी हुई है, ये झूठे हैं शेरों की। ये जितने लोग हैं या तो उन्होंने काफी मोटा क्वालिफाई किया है या टिकट लेके आए हैं, कमिटेड लोग हैं, ये टाइम पास करने नहीं आए, मैंने बोला बस अब हो जानी है कुछ, जहां ऐसे ऐसे दिखे बैठे हुए हैं कुछ बढ़िया ही होना है, कुछ सुधोना ही होना है, इसलिए भगवान ने ये सारी चीजें इस हिसाब से करी। बहुत कुछ है आपके लिए देश में करने को, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, इंडिया में, यूरोप में, यूके में आप आ जाओ, कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, कनाडा मेरे अंदर नहीं है तो उसका नाम नहीं लूंगा मैं, वरना कनाडा तो आपका मुझे ही पंजाब है ना, तो आप यूके आपके यूके भी है, काफी सारी जगह है, तो आप फैलो, जितना आप फैल सकते हो आप फैलो, और मैनेजमेंट की तरफ से आप कमिटमेंट देख रहे हो। मैं नहीं कहता ऐसी जितनी और कंपनियां हैं जहां के डायरेक्टर्स आपको आगे उस तरीके से कोच करते हैं जैसे रफी जी ने करा, इनके जैसा बोलता मैं खुद इनसे काफी प्रभावित रहता हूं, द वे ही स्पीक, लॉट्स ऑफ ह्यूमर, लॉट्स ऑफ एग्जांपल, मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी मिलिट्री वाली हो जाती है, अजी करना है तो करना है, ज्यादा मैं बात नहीं बनाऊंगा आपका आपके लिए। और ये जो ट्यूनिंग है कि ह्यूमर इज एडेड व्हाइल हैविंग अ डिवोशन एंड डेडिकेशन टू गेट फ्रॉम दिस डन, ये आपको लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशन में आपको आगे लेके जाएगा। एक प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैं यहां आ रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, मैं कौन सी प्रेजेंटेशन दूं आपको, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दूं या मार्केटिंग प्लान या कुछ कंपनी के बारे में, फिर काफी कुछ सोचने और मैंने सोचा कि मैं ऐसी कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दूं। मेरे दिल में कुछ बात थी, कुछ अटैचमेंट, कुछ तस्वीरें मेरे पास थी, उन तस्वीरों को मैंने 15 मिनट में रात में करीबन 2 बजे मैं बैठा था काम करने को, उन तस्वीरों को मैंने माध्यम से जोड़ दिया, और ये जो आप सुनेंगे इसमें जो वॉइस है वो वॉइस सिर्फ एक वॉइस नहीं है,
वो मेरे लिए बहुत कुछ है. एवरी डे मॉर्निंग है और मेरा प्रोटीन शेक है वो. हर रात में सोने से पहले जो मेरी आदमी के रिंदा के साथ वो भी चीज मेरे दिमाग में जाती है. और उस इन तस्वीरों में जो मैं आपको दिखाऊंगा वो व्यक्ति उनको देख के जज्बात कर दिया. जो मैंने सुनता था कि वीडियो ऐसे होते हैं, मोटिवेशन ऐसी होती है, उस सारी चीजों को किसी व्यक्ति ने चरणार्थ कर दिया तो वो राजीव जी ने किया है. तो शब्दों शायद कम पड़े ही बोलने के लिए, इसलिए इन गाने और एक कुछ तस्वीरों को मैं आपके सामने शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो दिल से दिल तक पहुंचे. आप कनेक्शन होनी बहुत जरूरी है. मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा. इस छोटे से कंपाइलेशन है पिक्चर्स की, उसके थ्रू तो मिस्टर